हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है सोल से। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मॉर्निंग मॉन्क। आज है सोल में हमारा तीसरा और आखिरी दिन और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ सोल का कुछ हिस्टोरिक पार्ट। कुछ पैलेसेज हैं, कुछ ट्रेडिशनल कल्चरल विलेजेस हैं, वो देखते हैं। अभी तक के वीडियोज अगर आपने देखना मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए चलते हैं घूमने सोल का ट्रेडिशनल पार्ट और उसके बाद सेकेंड हाफ में हम यहाँ से निकल जाएंगे बुसान की तरफ। वो वाला वीडियो भी देखना मिस मत कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सोल की बुलेट ट्रेन की यात्रा सोल से बुसान। ये जो स्टेशन है, स्टेशन का जो वॉल है वो भी पूरा का पूरा पैलेस की तरह है। ग्योंगबोकोंग जो स्टेशन जहाँ पे हम लोग उतरे, एक फ्लोर ऊपर चढ़ेंगे तो यहाँ पे के कल्चर म्यूजियम मीडिया आर्ट गार्डन है। काफ़ी इंटरेक्टिव, काफ़ी फन ये एक्टिविटी है, फ्री टू इंटर है। कन्फ्यूज़न हो कैसे जाना है तो आप आराम से नीचे इन्फॉर्मेशन डेस्क है वहाँ पूछिए, वो आपको गाइड करेंगे। ये पूरा का पूरा मामला इंटरेक्टिव है। मेरे हाथ में ऐसे एक टैबलेट दिया है जिससे आप कलर चेंज कर सकते हैं, इंट्रैक्शन चेंज कर सकते हैं। कान में हेडफोन पहना रखा है। ये सारी चीज़ें मैं चेंज कर पा रहा हूँ। नीचे फ्लोर पे भी ग्रास आ जाएगा, चारों तरफ जंगल थीम है। काफ़ी फन और इंटरेक्टिव ये इंस्टॉलेशन था मीडिया आर्ट गैलरी। आ रहे सोल में, फ्री एक्टिविटी है, डेफिनेटली कीजिएगा, मज़ा आएगा आपको। मेट्रो स्टेशन से जो रास्ता जा रहा है पैलेस और म्यूज़ियम की तरफ, वो भी पूरा म्यूज़ियम और पैलेस टाइप का ही है। ये सबवे का एंट्रेंस, ये इधर है ARVR कल्चरल लाइब्रेरी एंड कैफ़े। मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलेंगे सीधे ही सबवे स्टेशन से, इधर नेशनल पैलेस म्यूज़ियम ऑफ कोरिया, अगर आपको म्यूज़ियम में इंटरेस्ट है तो इधर जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप सोल आएंगे तो पांच रॉयल पैलेसेज में से सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा फेमस है ग्योंगबोकोंग पैलेस। चलिए वो देखते हैं। ये ग्योंगबोकोंग पैलेस कंपाउंड, पांच रॉयल पैलेसेज में से एक ये पैलेस कंपाउंड है ग्योंगबोकोंग, सबसे फेमस, शायद सबसे बड़ा। और इस पैलेस ग्राउंड में यहाँ पे आने के लिए आपको किसी भी टिकट की ज़रूरत नहीं है। और जो मैंने डिस्कवर सोल पास लिया तो उस पास में इंक्लूडेड था यहाँ का एंट्रेंस। हालाँकि मैं यहीं से आप लोगों को पैलेस दिखा रहा हूँ क्योंकि टाइम की थोड़ी सी मारामारी है। ये पैलेस का एंट्रेंस है, 18 साल से छोटे लोगों के लिए फ्री है। उसके ऊपर 3000 वॉन पर पर्सन एंट्रेंस है। आप अंदर जाना चाहें तो पैलेस अंदर से देख सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बहुत सारे लोगों को आप हैंडबॉग पहने हुए देखेंगे। अगर आप हैंडबॉग पहन के आते हैं यहाँ पे एंट्रेंस फ्री हो जाता है। यहाँ पर इनकी ट्रेडिशनल परेड, चेंज ऑफ गार्ड्स। ग्योंगबोकोंग से टैक्सी लेके गए 5 मिनट में। एक हैनॉक विलेज है
मुकनॉक करके प्रोनाउंशिएट करते हैं, मुकनॉक हैनॉक विलेज वो देखना है, ट्रेडिशनल विलेज है सोल साउथ कोरिया में। ये ट्रेडिशनल लेडी हैंडबॉक ड्रेस, हैंडबॉक का रेंटल शॉप से, 15,000 में 2 घंटा और 20,000 में 4 घंटा हैंडबॉक का रेंटल। ये सबसे फेमस हैनॉक विलेज का रास्ता, यहाँ पे काफ़ी सारी हैंडबॉक की रेंटल शॉप्स हैं चारों तरफ, पर मुझे लगा नहीं सोल में कहीं पे भी नेगोशिएशन होता होगा। कहीं पर भी ज़्यादा सोविनियर शॉप जब मुझे देखते तब मुझे समझ में आता कि ये बहुत ज़्यादा फेमस एरिया है, टूरिस्टी एरिया है, एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा टूरिस्टी है। एक्चुअली ये बहुत ट्रेडिशनल सी गली है, ट्रेडिशनल सा गाँव है और लोग अभी भी यहाँ पर रहते हैं। यू आर एक्सपेक्टेड नॉट टू मेक लॉट्स ऑफ नॉइज, धीरे धीरे घूमिए शांति शांति से। मैंने जो भी बताया था ना यहाँ लिखा भी है, प्लीज टॉक क्वाइटली। ऐसे बहुत सारी ट्रेडिशनल बाई लेंस हैं। ये पूरा इस विलेज का मैप, आप कहाँ पर हैं, हम लोग यहाँ पे हैं। ये पूरा अगर आप टूर करना चाहें तो दोनों साइड में टूर कर सकते हैं। छोटी छोटी डिस्टेंसेस के लिए कोरिया में टैक्सीज बेटर हैं, 3 लोग अगर आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो। जैसे मैंने अभी फिर से टैक्सी ली, 2 बार टैक्सी ली, 5,000 won, 350-350 rupees के बीच में आता है। अगर आप बस करेंगे या पैदल आएंगे आपका चॉइस है, लेकिन टैक्सी कंफर्टेबल, कन्वीनियंट, फास्ट है और पैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं लगते, तो टैक्सी एक शॉर्ट ट्रिप के लिए अच्छा ऑप्शन है सोल साउथ कोरिया में। अभी जिस जगह पे मैं आया हूँ, जगह का नाम है जोगियेसा टेम्पल, एक और कल्चरल लैंडमार्क है सोल के अंदर, बहुत ही सुंदर टेम्पल है। और ऊपर ये बहुत सारे लैंटर्न्स लगाए गए हैं छत पे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये अभी जो मंदिर देखा, जोगियेसा बुद्धिस्ट टेम्पल है, बुद्ध की बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ी बड़ी स्टैचूज़ हैं और जो अंदर काम किया गया है, नक्काशी है या जो पेंटिंग्स हैं, अद्भुत है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। अगर आप सोल घूमने आने वाले हैं, बिग थम्स अप है। अगर आपको कल्चरल मॉन्यूमेंट्स या हेरिटेज साइट्स पसंद हैं तो यहाँ ज़रूर आइएगा। जोगियेसा टेम्पल से निकल के हम लोग आ गए इंसाटोंग स्ट्रीट पे। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है लिलवारा। कुछ लंच के लिए ऑर्डर किया है, चना मसाला एंड गार्लिक नान और चाय, पी के और खा के बताते हैं कैसा। अगर आप सोल आ रहे हैं घूमने के लिए तो क्या लिलवारा मेरी तरफ से रिकमेंडेड है या नहीं, खाने के बाद मैं बताता हूँ आपको। ये आ गई मेरी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, अनु पी के बताएंगे है कैसी, कैसी है। ठीक है, जिंजर गायब हो गया चाय के अंदर। यह है चिक्की का चना मसाला एंड गार्लिक नान, चिक्की भी खा के बताइए कैसा है। चिकन ने जो पहली बाइट कैसा है, इंसाडोंग वॉकिंग स्ट्रीट पे रेस्टोरेंट है निर्वाणा। यहाँ पे खाना अच्छा था, चिक्की और मुझे दोनों लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, इनफैक्ट नान और चना खाया। तो अगर आप लोग इस एरिया में घूम रहे हैं इंसाडोंग के आसपास
एक अच्छा ऑप्शन है इंडियन फूड एक्सप्लोर करने के लिए। टोटल बिल था 26,000 कोरियन वॉन का, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 1600 रुपये बनता है। यहाँ पे बड़ा सा जायंट सा एक क्यूट सा एनिमे कैरेक्टर बनाया हुआ है, रखा हुआ है एक्चुअली सॉफ्टवेयर। इंसारंग स्ट्रीट फेमस है सुविनियर शॉपिंग के लिए, टूरिस्ट फ्रेंडली ही रहे बोलते हैं इसको, काफ़ी सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे स्टॉल्स हैं। ये देखिए यहाँ पे सुंदर सुंदर पेंटिंग भी बेच रहे हैं लोग, की चेन्स एंड फ्रिज मैग्नेट्स। ये 8,000 का है, ये 10,000 का है, ये भी 10,000 का है, ये 8,000 का है। काफ़ी हाईर साइड पे हैं प्राइसेज यहाँ पे फ्रिज मैग्नेट्स के। और कंट्रीज में आराम से आपको इंडियन करेंसी में 100-200 मिल जाएगा, या 500, 400, 600 ऐसे ही प्राइसेज हैं। यहाँ पे ये फ्रिज मैग्नेट्स मिल रहे हैं नॉन ब्रेकेबल टाइप के 4,000 के, ये वाले भी 4,000 के हैं, डिसेंट प्राइस। ट्रेडिशनल आइटम्स, ट्रेडिशनल क्रॉकरी के लिए परफेक्ट है एरिया इंसाडोंग। शॉपिंग करनी है डेफिनेटली इस एरिया में आइए, मेयोंगडोंग में फैशनेबल वो सारी चीज़ें और सोवेनियर और ट्रेडिशनल चीज़ें खरीदनी हो तो इंसाडोंग। यहाँ पे बार्गेनिंग नहीं होती, जो प्राइस लिखा उसी प्राइस में देंगे। ये जो होटल था हमारा होटल पीजे, अच्छा था, चेकआउट कर लिया, कुछ ज़्यादा किया नहीं, दिन भर घूम के आते थे, रात को सो जाते थे, सुबह उठ के फिर घूमने निकल पड़े, सोने के लिए ठीक था। जिस बिल्डिंग में ये होटल है, होटल पीजे काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी यानी कि बहुत सारी कॉफ़ी शॉप्स हैं, फार्मेसी है, एक इंडियन रेस्टोरेंट भी, हालांकि हमें टाइम नहीं मिला वहाँ जाके उसको एक्सप्लोर करने का, बट है ऑप्शन। हाँ, और कन्वीनियंस स्टोर्स तो काफ़ी सारे, 7-Eleven इधर है, CU है। लोकेशन वाइज 5 out of 5, मेट्रो स्टेशन वॉकिंग डिस्टेंस पे। ये वाला वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि सोल से जो बुसान की ट्रेन मैंने करा रखी है वो टाइम पे मैं पकड़ पाया है कि नहीं, क्योंकि थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ टाइम चल रहा है। वो सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें अगले वीडियो में। ये वाला वीडियो अगर अच्छा लगा हो, जो सोल का प्लेलिस्ट है, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन के कॉर्नर पर मिल जाएगा, वो चेक कीजिएगा। मैं आप लोगों से अगले वीडियो मिलता हूँ ऑन अ ट्रेन टू बुसान। जब तक मिलूँ तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।